नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आरएन टेक्निकल चैनल। आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे अभी के टाइम में यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। हर कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल भी खोल दिया, सब कुछ कर दिया आपने, ठीक है। तो उसके लिए जो लोगो होता है, वो लोगो हम बनाते कैसे, और आज का टॉपिक हमारे यूट्यूब के लिए हम लोगो कहाँ से बनाए और कैसे बनाए, आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे बनाए और कौन सा ऐप यूज करते हैं हम उसके लिए। सो आज यही है हमारा टॉपिक। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं सीधे आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि लोगो कैसे बनाए। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, जितने भी लोग मेरे चैनल देख रहे हैं, प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा के ऑल का ऑप्शन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन नया वीडियो बनाता रहता हूँ और जब भी मैं वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ से लेके चलता हूँ मैं अपने ऐप्स पे। लेकिन ऐप्स, अगर आपने ऑलरेडी ऐप्स डाउनलोड कर रखा है, पिक्सलैब डाउनलोड कर रखा है, तो ठीक है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से जाके पिक्सलैब डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप यूज़ भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, तो मैं वहीं से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक पिक्सलैब यहाँ पे डाउनलोड रखा है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो आपका आपका ये ऑप्शन खुल रखा है, तो मैं इसे जो न्यू टैक्स दे रखा है, न्यू टैक्स को हटा देता हूँ। मैं पहले न्यू टैक्स को हटा देता हूँ, मैं अपना ऐड करूँगा यहाँ पे। तो आपको इसी में बनाना है, आपको इसी ऑप्शन पे बनाना है। तो आप मैं इसे यूज़ करता हूँ वाइट को, मैं वाइट को यूज़ करता हूँ, या वाइट पर ज़्यादा अच्छा दिखेगा तो वाइट को यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो वाइट को यूज़ करने के लिए आपको वाइट पर क्लिक करके ओके का ऑप्शन दबा देना है, तो आपको आगे आ जाएगा। आप यहाँ से अपने ए का जो ऑप्शन दे रखा है, ए का ऑप्शन पे आप जाइए, नीचे जो ए का ऑप्शन दे रखा है, ए का ऑप्शन पे जाइए। ए का ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप ये टैक्स जो देख रहे हो, टैक्स का ऑप्शन में, टैक्स का ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ठीक, आप साइड में देख रहे हो एडिट का बटन जो आ रखा है, पेंसिल का जो बटन है नीचे एडिट लिखा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आपका न्यू टैक्स का ऑप्शन आ रखा है यहाँ पे, आप न्यू टैक्स पे ओके कीजिए, ठीक है। और इसको बीच में लेके आइए, ठीक है, इसको बीच में लेके रखिए, इसको बीच में रखिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, तो मैं अपने चैनल के नाम पे पहले स्टार्टिंग में मैंने आर दे रखा है, तो मैं इसे आर करता हूँ, ठीक है। आर करने के बाद में इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस सारे ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे आपको दिखाऊंगा मैं। चैनल का लोगो नहीं बनाऊंगा, लेकिन लोगो बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि बनाते कैसे। तो आप उसी तरीके से आपके पूरा लोगो बना सकते हो। तो आपको ये आर पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे आपको वही दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ इसका साइज़ पे, साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, देख रहे हो साइज़, इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसे फुल पे रखूँगा, फुल पे रखता हूँ और इसे आपको दिखाता हूँ। ओके राइट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ जाता हूँ कलर ऑप्शन पे, और इस पर आप ये देख रहे हो साइड पे प्लस का आएगा, प्लस का आइकन पे दबा के आप अपने कलर को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपना कलर को ऐड कर सकते हो, आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ओके कर देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसे ब्लैक करता हूँ, ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसे ब्लैक करता हूँ। उसके बाद में आपको क्लिक करना है राइट बटन पर, ठीक है। आपको जाना है आगे, आप ले लो आप फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में चले जाओ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा फंड देखने को मिलेगा, देख रहे हो आपने बहुत सारा फंड है यहाँ पे। आप यहाँ से कोई सा भी फंड यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से नहीं यूज़ करूँगा। मैंने जो भी सिलेक्ट किया है यहाँ आ रखा है रिसेंट फॉल में, तो मैं यहाँ से डेज वाला ले लेता हूँ, ये डेज वाला क्लिक करता हूँ, ठीक है। डेज वाला क्लिक करता हूँ, ये बड़ा हो जाता है। अब इसको मैं आगे का ऑप्शन और बढ़ाता हूँ, आपको यहाँ से बोल्ड करना है इसे, और भी ज़्यादा मोटा करना है, बोल्ड करना है ना, स्टाइलिश लेना है, जैसे बोल्ड करना है या कुछ करना है, तो आप बोल्ड के ऑप्शन पे जा सकते हो। बी पे जो बी लिखा है यहाँ पे, बी पे क्लिक करना है, और ये जो बी लिखा है वहाँ पे क्लिक करती है, आपका वो मोटा सा दिखाई देगा आपका, ठीक है, थिकनेस आ जाएगा इसमें। तो आप इसे भी राइट क्लिक कर सकते हो, और आगे जाके अगर इसमें आप कोई बैकग्राउंड वगैरह देना चाहते हो, जैसे बैकग्राउंड आप बना सकते हो, अपना भी बैकग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाके बहुत सारा कलर का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन यूज़ करके आप इसका बैकग्राउंड भी बना सकते हो। ये देखो आपका यहाँ पे ये बैकग्राउंड वगैरह आ जाता है। फिलहाल मैं ये बैकग्राउंड नहीं लेता हूँ इसे, तो मैं इसे थोड़ा 3D स्टाइल में बना चाहता हूँ, तो मैं इसे आपको ऐसे ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके स्पेलिंग मोड पे जाके इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, बड़ा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ये फिलहाल एक ही स्पेलिंग का है तो ये होगा नहीं, लेकिन इसे मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जाते हैं हम स्ट्रोक पे, स्ट्रोक पे जाके आप अपने इस पर मोटा करके साइड लाइन दे सकते हो, ठीक है।
साइड लाइन पे मैं रेड क्लिक करता हूँ। रेड क्लिक करते समय देखिए आपका जितना भी आर का साइड लाइन है वो पूरा रेड कलर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसे थोड़ा रेड करके रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा रेड आप कोई सा भी रेड चुनिए, आप कोई सा रेड चुन सकते हैं, आप कोई सा भी रेड कलर कर सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ तो आपका जितने भी साइड लाइन है उस पर रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसे मैं राइट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ शैडो पे, शैडो पे जाके इसे एनेबल कर देता हूँ, और एनेबल करने के बाद में इसे मैं वाइट में ले लेता हूँ, ठीक है। वाइट में अगर ब्लैक में ले सकते हो, लेकिन ब्लैक में आपको थोड़ा, तो आप वाइट ले लो, वाइट लेके वाइट पे रख सकते हो, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप ऐसे करके पूरा ये यूज़ करके अपना लोगो आराम से बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि एक ही स्पेलिंग में मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसे बस एक चीज़ यूज़ करता हूँ, 3D को ऑन कर देता हूँ, जाके ऑब्लिक में जाके, ऑब्लिक में जाके मैं इसे, आप देख सकते हो यहाँ मेरा पूरा आर का डिज़ाइन ही चेंज हो गया, ठीक है। अब आप इसको बीच पे पकड़ के आप कहीं भी रोटेट कर सकते हो, किसी भी साइज में आप रोटेट कर सकते हो इसे, ठीक है। और आपको नीचे टॉप पे पकड़ के आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपका ये इस डिज़ाइन का बन गया, बहुत खूबसूरत दिख रहा है आपका ये। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 3D तो हो गया, आप इसको 3D शेडो देना चाहते हो तो आप 3D शेडो पे क्लिक करके इसको एनेबल कर दीजिए। आर के नीचे आप देख सकते हो 3D शेडो आ रखा है, आप पे वाइट कलर दे सकते हो, रेड कलर दे सकते हो, ठीक है, ब्लैक कलर दे सकते हो, वाइट तो खैर दिखेगा नहीं लेकिन ब्लैक कलर दे सकते हो, ब्लू कलर दे सकते हो। तो फिर फिलहाल मैं इसे नीचे ब्लैक कलर देता हूँ, ठीक है, और इसे राइट कर ओके कर देता हूँ, ठीक है। और आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में जाके आप इसे एनेबल कर देते हो तो इसका ऊपर का भाग नीचे आपको देख सकते हो रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। आप इसे जहाँ भी ले जाओ वो साथ में जाएगा, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्शन को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, नीचे ऑप्शन दिख रहा है, देखो ज़्यादा भी हो सकता है, इसे कम भी कर सकते हो बिल्कुल सा, ठीक है। कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इसी तरीके से आप आपका किसी का आर से, किसी का एस से, किसी का टी से, किसी का यू से, किसी भी स्पेलिंग से उसका नाम शुरू होता है तो पहले आप उसका स्पेलिंग लिखिए यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। जो लोगो बनाने के लिए शॉर्ट में ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बनाने के लिए, तो आप वो बनाइए, पहला शॉर्ट बनाइए अपना, एक शॉर्ट नेम बनाइए। एस से जिसका होता है तो एस लिखना है, आर से जिसका होता है तो आर लिखना है, एम से जिसका होता है तो एम लिखना है, ओ लिखना है आपको, और उसके नीचे आपको चैनल का नाम लिखना है। और चैनल का नाम लिखने के लिए फिर से आपको टैक्स प्लस का बटन पे जाना पड़ेगा। टैक्स प्लस के बटन पे जैसे क्लिक करते हैं आपको ऊपर ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ आपको एडिट का पेंसिल का बटन दे रखा है एडिट करने के लिए, वहाँ पे जाइए, और आपने जैसे कि मेरा टेक्निकल है तो मैं टेक्निकल लिखता हूँ। आप यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया। अब इसे भी आप जैसे इसे बोल्ड दिया था आपने, जिस तरीके से बोल्ड दिया था, कलर दिया था, आप उसी तरीके से इसे कलर दे सकते हो ब्लैक में, ठीक है। राइट क्लिक कर देना, कलर में जाके कलर का ऑप्शन चूज करके आप कर सकते हो, और उसके बाद में साइज पे जाके आप इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक स्पेलिंग है, एक ही स्पेलिंग में उसे थोड़ा बढ़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तभी मज़ा आएगा देखने के लिए। तो आप ये यहाँ पर रखता हूँ, इसे राइट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में मैं चलता हूँ पेंडिंग पे, पेंडिंग पे आपको थोड़ा आगे पीछे जहाँ भी इसे बीच में मिडिल पे जो करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ अब अपने फ्रंट पे, फ्रंट साइज में जाता हूँ मैं, फ्रंट पे जाके और मैं वही चूज़ करता हूँ जो मेरा पास रिसेंट पे है डे पे, ठीक है। मैं इसी से लेकर ज़्यादातर बनाता हूँ मैं। अब मैं जाता हूँ उसे बोल्ड स्टाइल पे, बोल्ड स्टाइल में जाके मैं बी पे क्लिक करता हूँ, इसमें थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसे बैकग्राउंड के लिए मैं वाइट ही रहने देता हूँ, क्योंकि ब्लैक के लिए वाइट सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, VIP दिखता है। अब स्ट्रोक पे जाता हूँ, मैं सेम वैसे करता हूँ जो पहले किया था। अब इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑन करके अब इसे मैं वाइट ले लेता हूँ साइड पे इसका, ठीक है। और राइट में वाइट लेके इसे थोड़ा थिकनेस पे लेता हूँ। अब इसे राइट क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब फिर जाता हूँ मैं स्ट्रोक पे, स्ट्रोक को ऑन करता हूँ और इसको लेता हूँ मैं रेड पे, ठीक है। रेड पे लेके इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इसको करता हूँ मैं ओके। अब मैं इसे करता हूँ इनर शेडो, इनर शेडो पे जाके मैं
सेम वैसे ही ले रखा हूँ मैंने, तो इसे मैं ब्लैक पे डाल देता हूँ, ठीक है। ब्लैक में डाल के ओके कर देता हूँ, मैं इसे 3D में एनेबल करता हूँ, ठीक है। 3D एनेबल करने के बाद में ऑब्लिक पे जाते हो, ऑन करते हो, तो उसके पीछे देख सकते हो आप कुछ ज़्यादा निकला हुआ है, तो मैं उसे कम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कम कर दो आप इसे, ठीक है। और उसके बाद में आप लास्ट पे जो आपका ऑप्शन है 3D शेडो, इसे ऑन कर दो, ठीक है। और इसको जो कलर आपको चाहिए, मैं इस पर रेड डाल देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। और आपको जाता है, अब आपको जाना है रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। आप रिफ्लेक्शन का बटन एनेबल कर दो, और रिफ्लेक्शन का बटन जैसे ही एनेबल करते हो, इसका रिफ्लेक्शन आप थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो। तो इसी तरीके से आप YouTube का लोगो बना सकते हो। आप इसको हमको करना क्या, गोल में, गोलाई में आपको इसको रखना है। ये अभी तक ये चार कोर में नहीं रखना है, हमें इसको गोलाई में रखना है, जाके अपने चैनल के आगे जब आप वीडियो बनाते हो, सबसे आगे आप लोगो देखते हो ऊपर साइड पे बनेगा, जो आपका चैनल को एक लोगो होता है, आपका चैनल का एक लोगो होता है, ठीक है, जो गोल सा होता है, तो वो गोल बनाना है हमें, ठीक। और मैंने पिक्सआर्ट भी डाउनलोड कर रखा है, पिक्सआर्ट में जाके उसे मैं उसे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो पिक्सआर्ट पे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जाके प्लस का आइटम दबाना पड़ेगा, और आप यहाँ देख सकते हो मेरा यहाँ आ रखा है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, और यहाँ जाके आपको अब ओपन करने के बाद में इसे हमें गोल शेप पे लाना है, जैसे आपने देख रखा है ना ऊपर में जो भी आपने लगा रखा है उसे गोल सा शेप में, जो भी चैनल पर देख सकते हो ज़्यादातर गोल ही यूज़ करते हैं, तो हम भी गोल ही यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको जाना है कटआउट पे, ठीक है। कटआउट पे आपको क्लिक कीजिए, कटआउट पे क्लिक करने के बाद में आपको शेप में जाना है, ठीक है, शेप में जाना है, SHAPE यहाँ देख रखे हो तो ट्राइंगल शेप में जो दे रखा है शेप, वहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपको दे रखा है राउंड का, ठीक है, ये राउंड वाला क्लिक करते हैं, गोल वाला। अब इसको जैसे क्लिक करते हैं ये यहाँ आ गया। अब इसका आप बटन पे क्लिक, नीचे आपका नीचे देखो एरो जैसा दे रखा है, वो एरो पे आप पकड़ के इसको जितना आपका चैनल है उतना ही आप इस पर खींच सकते हो, ठीक है, ये गोलाई में आ जाएगा। सबसे बढ़िया आपका यही होता है करने के लिए, ठीक है। ये देखो आपका ये फिट हो गया, अब इसे हम राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये फिट हो गया, देखिए आपका ये गोल आकार में हो गया। तो आप इसे आप सेव कर सकते हो और इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है, ये सेव हो गया, आप इसे क्लोज कर दो। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि लोगो बनाते कैसे हैं और कौन सा ऐप यूज़ करते हैं लोगो बनाने के लिए। तो आई होप आप सब लोगों को पता हो गया होगा कि लोगो बनाते कैसे हैं, और जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कि हम लोगो बनाते कैसे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।